टेंथ क्लास सिविक्स में हमारा चैप्टर वन कंप्लीट हो चुका था और आज हम जो है चैप्टर टू स्टार्ट करने जा रहे हैं, फेडरलिज्म यानी कि संघवाद। इन द प्रीवियस चैप्टर वी नोटेड दैट वर्टिकल डिवीजन ऑन पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज वन ऑफ द मेजर फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग। यानी कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि किस तरीके से शासन जो होता है उसके अलग अलग लेवल के बीच में जो है पावर शेयर हो जाती है वर्टिकली, यानी कि हायर टू लोअर जो है उसमें डिवाइडेशन हो जाता है, सत्ता का बंटवारा हो जाता है। और लोकतंत्र में जो सत्ता की साझेदारी है वो एक आम रूप है, यानी कि डेमोक्रेसी में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमनली रिफर्ड टू एज फेडरलिज्म। और इस चैप्टर में हम जो है सत्ता के बंटवारे के रूप के बारे में ही बात करेंगे, सत्ता का बंटवारा कैसे होता है लोकतंत्र में, और इसे जो है आमतौर पर संघवाद कहते हैं, यानी कि फेडरलिज्म कहा जाता है जब सत्ता का बंटवारा जो है हो जाता है हायर टू लोअर होता है, यानी कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी कुछ पावर लोअर गवर्नमेंट को दे देती है तो वहाँ पर इसको जो है फेडरलिज्म कहा जाता है, सत्ता का बंटवारा। वी बिगेन बाय डिस्क्राइबिंग फेडरलिज्म इन जनरल टर्म्स एंड द रेस्ट ऑफ द चैप्टर टायर्स अंडरस्टैंड द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ द फेडरलिज्म इन इंडिया। टुवर्ड द एंड ऑफ द चैप्टर वी टर्न टू द लोकल गवर्नमेंट अ न्यू एंड द थर्ड टायर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म। और इस चैप्टर में हम जो है थोड़ा सा फेडरलिज्म के जो हमारे सिद्धांत है उसको समझना है किस तरीके से वो बताएंगे, और चैप्टर के लास्ट में हम जो है इंडियन फेडरलिज्म के थर्ड स्टेट यानी कि थर्ड लेवल के बारे में यानी कि लोकल गवर्नमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि फेडरलिज्म क्या है, केवल आज हम इतना पढ़ेंगे कि फेडरलिज्म है क्या, व्हाट इज़ फेडरलिज्म, संघवाद क्या है। फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। संघीय शासन व्यवस्था में जो है जो सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न इकाइयों के बीच बढ़ जाती है, यानी कि संघवाद में, फेडरलिज्म में संघवाद एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट की जो पावर्स होती हैं वो उसकी केंद्रीय और बाकी जो यूनिट्स होती हैं उनके बीच में जो है डिवाइड हो जाती हैं। फेडरलिज्म हैज़ टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। संघीय शासन व्यवस्था में जो है फेडरलिज्म गवर्नमेंट में टू लेवल की गवर्नमेंट होती है। वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज़ द यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ न्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट एंड अदर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविनेंस और स्टेट लुक आफ्टर मच ऑफ द क्ले टुडे सॉरी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट। एक तो इसमें दो तरह की गवर्नमेंट होती है फेडरल सिस्टम में। एक में तो होता है कि एक गवर्नमेंट तो होती है जो पूरे देश के लिए होती है जिसमें नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं इसे सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरी होती है जिसमें हमारे स्टेट और प्रोविनेंस लेवल की जो गवर्नमेंट होती हैं जिसमें जो है डे टू डे वर्क को देखा जाता है, यानी कि एक को आप कह सकते हो फेडरलिज्म में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। फेडरेशन आर कंस्ट्रक्टेड विद द यूनिटरी गवर्नमेंट अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल। इन द फेडरलिज्म सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। इसमें क्या होता है कि दोनों लेवल की गवर्नमेंट जो है अपने अपने लेवल पर वर्क करती हैं फ्री होकर के, और जो फेडरल सिस्टम होता है यानी कि संघीय शासन व्यवस्था होती है ये जो है यूनिटरी सिस्टम से एकदम अपोजिट होती है, क्योंकि यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि यूनिटरी सिस्टम में जो है एक ही सरकार होती है और वही सारे फैसले लेती है, बाकी जो गवर्नमेंट होती हैं वो उसके अंडर में होती हैं, और जबकि फेडरल सिस्टम में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पर अपने फ्री होकर के वर्क कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पर फ्री होकर वर्क करती है, यानी कि आप कह सकते हो कि दोनों ही गवर्नमेंट जो है वो अपने अपने लेवल पर लोगों के लिए अकाउंटेबल होती है, लोगों को जवाबदेह होती हैं। तो हमारे फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है दूसरी गवर्नमेंट पर अपना आदेश नहीं दे सकती, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को आदेश नहीं दे सकती, वहाँ डिस्कशन होता है लेकिन आदेश नहीं दिया जाता। तो जबकि यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि एक ही गवर्नमेंट होती है सेंट्रल और बाकी सारी जो यूनिट्स होती हैं वो उसके अंडर में होकर काम करती हैं, लेकिन फेडरल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। इसमें आपको हिंदी में भी दिया गया, आप इसको डेली जो है फेयर करते रहिए।